गुड इवनिंग साथियों, आइडियल ग्रुप एसएससी एसकेबी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लें। वीडियोस के अंत में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, यूआईडीएआई ने हाल ही में सेवा प्रदाताओं और बैंकों और दूरसंचार कंपनियों जैसी एजेंसियों द्वारा डैश से अपने उपयोगकर्ताओं से वर्चुअल आईडी स्वीकार करने की घोषणा की है। एक जुलाई इसका राइट आंसर है दोस्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, टाटा स्टील के बोर्ड ने टाटा स्टील के यूरोपीय इस्पात कारोबार और थिसेनकुर्प एजी के डैश संयुक्त उद्यम बनाने के लिए शर्तों को मंजूरी दे दी है। पचास अनुपात पचास इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, डिजिटल परिचालन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निशान अधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? केरल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2018 मार्च अंत में भारत का विदेशी ऋण मार्च 2017 के अंत में अपने स्तर से USD 58.4 बिलियन प्रतिशत बढ़कर USD 529.7 बिलियन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से राज्य के 1978 में पारित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कानून या धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को रद्द करने की संभावना है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र ने घोषणा की है कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए अपने अभियान के हिस्से के रूप में 2020 तक डैश ग्रामीण बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाचन बांड जारी होने की तारीख से डैश दिनों के लिए वैध होंगे और अंतिम तिथि के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 15 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री राव ने किस देश के साथ हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास की स्थापना के लिए चर्चा की है? UAE। नेक्स्ट, गुवाहाटी में 98वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने अपना 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? दूती चंद। नेक्स्ट, डैश विज्ञान तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में एक शोध पार्क खोलने की योजना बना रहा है। IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट,
कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस। केंद्रीय सरकार ने री यूनाइटेड नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया? गुमशुदा बच्चों को पता लगाने और ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, 2018 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पैंतीस। नेक्स्ट, लंदन में होने वाले 2018 महिला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की अगुवाई कौन करेगा? रानी रामपाल। नेक्स्ट, तराई के अनुसार कौन सी टेलीफोन कंपनी 62.2 बिलियन रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर बनी? रिलायंस जियो। नेक्स्ट, कौन सा बैंक विदेशी परिचालन को तर्कसंगत बनाने के लिए अपनी 9 विदेशी शाखाओं को बंद करने की योजना बना रहा है? SBI बैंक। नेक्स्ट, इजराइल निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य को प्रयोगात्मक आधार पर डिजिटल खेती की 100 इकाइयां उपहार में देगा? गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने भारतीय जीवन बीमा निगम को निम्नलिखित में से कौन से बैंक में 51% तक निवेश करने की अनुमति दी है? IDBI बैंक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जनार्दन सिंह गहलोत। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षापूर्ण जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? दाहोद। नेक्स्ट, कौन से हवाई अड्डे का टर्मिनल एक यात्रियों के लिए स्वचालित चेक इन सुविधा प्रदान करने वाला पहला टर्मिनल बन गया? मुंबई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।